विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिट्टी बचाओ अभियान को संबोधित कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। अपने माथे से लगाते हैं, इसी में गिरते हुए खेलते हुए हम बड़े होते हैं। माटी के सम्मान में कोई कमी नहीं है, माटी की अहमियत को समझने में कोई कमी नहीं है। कमी इस बात को स्वीकारने में है कि मानव जाति जो कर रही है उससे मिट्टी को कितना नुकसान हो रहा है, उसकी समझ का एक गैप रह गया है। और अभी सद्गुरु जी कह रहे थे कि सबको पता है समस्या क्या है। हम लोग जब छोटे थे तो सिलेबस में किताब में एक पाठ्यक्रम के में एक पाठ पढ़ाया जाता था, गुजराती में मैंने पढ़ा है, बाकियों ने अपनी भाषा में पढ़ा हो शायद। कहीं रास्ते पर एक पत्थर पड़ा था, लोग जा रहे थे, कोई गुस्सा कर रहा था, कोई उस पर लात मार देता था। सब कहते थे देखिए किसने पत्थर रखा, कहां से पत्थर आया है, दे समझते नहीं वगैरह। लेकिन कोई उसको उठा करके साइड में नहीं रखता था। एक सज्जन निकले, उनको लगा कि चलो भाई सदगुरु जैसा कोई आ गया होगा। हमारे यहां युधिष्ठिर और दुर्योधन के भेद की जब चर्चा होती है तो दुर्योधन के विषय में जब कहा जाता है तो यही कहता है कि जाना भी धर्म न से मैं प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं। सत्य क्या है मुझे मालूम है लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं चल सकता हूं। तो समाज में जब ऐसी प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो ऐसा संकट आता है तो एक सामूहिक अभियान से समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोजने होते हैं। मुझे खुशी है कि बीते 8 वर्षों में देश ने मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए निरंतर काम किया है।